हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रेनो क्विड ईवी के बारे में। रेनो काफ़ी देर से प्लान कर रही है एक 10 लाख से नीचे वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि कम्पीट करेगी विद द एमजी कॉमेट ईवी एंड टाटा टियागो ईवी, जिसमें आपको रियल रेंज 250 किलोमीटर की आराम से मिलेगी और फीचर्स प्रॉपर बड़ी एसयूवी वाले। अब उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज फोटोज़ वीडियोज़ उसकी काफ़ी सामने आ गई हैं, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में इसे लॉन्च कर दिया गया अलग अलग वेरियंट्स में, तो उसी तरीके का डिज़ाइन आपको इंडियन मार्केट में आएगा। बट सबसे पहले बता दूँ, अभी एज है क्या आपने कहना, ये कहाँ स्टूडियो बना लिया ऋषभ ने। बेसिकली आज हम ट्रैवल कर रहे हैं हेक्टर में, हम जा रहे हैं ओली उत्तराखंड स्नोफॉल देखने, लेकिन अभी हम स्टॉप लिया हमने रुद्रप्रयाग में, तो बहुत अच्छा वेदर यहाँ पर, ठंडा ठंडा हो रखा है, तो वहाँ पर भी आपके लिए वीडियो बन रही है, उस बात पे तो एक लाइक बनता है। बट हम बात कर रहे थे रेनो क्विड ईवी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये अभी अपने सेकंड जनरेशन फेज़ पे चल रही है, तो अब जब इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है तो इंडियन मार्केट के लिए भी इसे रेडी किया गया। अब इंडियन मार्केट में मेजरली जो चेंजेस, जो बड़ी चीज़ आएगी वो आएगी इसके नए लुक्स। अब नए लुक्स के साथ ना इन्होंने ये बताया कि भाई हमें भी स्टाइलिश गाड़ियाँ बनानी आती हैं। डासिया डस्टर देखी थी आपने, जो कि वो भी आनी है, बट रेनो की जो डस्टर अभी आएगी वो हम लोग यहाँ पर फोटो वीडियो दिखाता हूँ कि न्यू जनरेशन जो है वो कैसी लगेगी। इंडिया में भी वैसी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ रेनो क्विड ईवी भी आएगी जो कि काफ़ी हैवीली इंस्पायर्ड है नेक्स्ट जनरेशन, जो न्यू जनरेशन डस्टर है उससे। LED हेडलैम्प्स आपको नीचे, ऊपर DRLs कनेक्टेड, बीच में लोगो रेनो का आएगा, यहाँ पर DC लिखा हुआ है आपको डासिया का, और बट वो आपको आएगा रेनो का। नीचे भी जो आप इंटीरियर देखोगे उसमें भी आपको इसी तरीके की DRLs वगैरह देखने को मिलेंगे, और काफ़ी रिजेंबलेंस मिलेगी एक्सटीरियर इंटीरियर और रियर साइड की भी। और इवन जो फ्रंट, अगर आप इसके व्हील्स वगैरह, सॉरी स्टेयरिंग व्हील देखोगे, तो वहाँ पर भी बड़े स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डिजिटल क्लस्टर, 10.1 की टच स्क्रीन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे भी आपको AC के कंट्रोल्स, मतलब फीचर्स वाइज तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट अगेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा ना हो। 10 लाख भी जो वो कह रहे हैं, मुझे लगता है वो टॉप वेरियंट का प्राइस रखेंगे, क्योंकि क्विड एक ऐसी गाड़ी जिसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है, बिल्कुल एंट्री लेवल हो जाती है। और MG कॉमेट और टाटा टियागो ईवी के साथ अगर इसे स्ट्रांगली कम्पीट करना है ना, तो मुझे लगता है कि जो प्राइस है उसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में रखना पड़ेगा, वो भी रेनो जैसी कंपनी को, बिकॉज उनके भी प्रोडक्ट्स बेचारे बिक नहीं रहे हैं, तो उनको अच्छी प्राइस, अच्छा प्रोडक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। बाकी फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करूँ, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें तो इन्होंने फुली ऑटोमेटिक AC, 10.1 इंचज़ की टच स्क्रीन, फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ साथ फोर व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी दी है, और साथ में 250 किलोमीटर्स की रेंज भी, जो कि 26.8 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है, जो कि एक अच्छा साइज़ हो जाता है इस तरह की गाड़ी के लिए। अभी हम MG कॉमेट की बात करें तो उसमें सिर्फ 17 किलोवाट आवर का है, तो थोड़ा कम तो लगता है, लेकिन वो आपको वही 220 से 250 की रेंज दे देता है, बट वो इसलिए दे पाता है बिकॉज उसका साइज़ छोटा है। ये थोड़ा सा साइज़ और वेट बढ़ जाएगा तो इसमें बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो चार्जिंग जो है 11 किलोवाट का AC चार्जर सपोर्ट करेगा, और 30 किलोवाट का फास्ट चार्जर भी आपको यहाँ पर ऑफरित किया जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप कभी इमरजेंसी में जल्दी चार्ज करना चाहो तो इसे कर पाओगे। बट सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि भाई ये गाड़ी आनी कब है। देखो दिखने में अच्छी लग रही है, चाहे वो गेयर नॉब हो, सीट्स के ऊपर डिज़ाइन हो, ड्यूल फैब्रिक मटीरियल हो, अब काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक बिट्स पर भी ग्रूविंग दी गई है, तो वो अब उन्होंने प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप डोर हैंडल्स भी देखोगे तो पुराने स्टाइल के आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक स्टाइलिश गाड़ी तो बना दी है, ये बात तो पक्की है। बट ऑब्वियसली थोड़ी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर मिलेगी, आएगी 2025 के एंड में। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो अगेन वही 7 to 10 lakhs के बीच में इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग विद अ 26 किलोवाट आवर बैटरी। बैटरी साइज़ में थोड़ा सा कम जाते हैं, सपोज वो 22 और 30 दे देते हैं तो बात अलग है, बट इंटरनेशनल मार्केट में 26 है तो वही रहनेगा, वही रहेगा मेरे हिसाब से। तो दिस वॉज अ क्विक अपडेट रिगार्डिंग द रेनो ईवी क्विड ईवी। क्या आपको लगता है आप इस व्हीकल को परचेज करना चाहोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।